तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे ये वाली प्रोफाइल खुल जाएगी, और जल्दी से दोस्तों फॉलो बटन पर क्लिक कर लीजिए तो आप मैसेज भी कर पाएंगे यदि आपको कोई क्वेरी है। दोस्तों वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और सभी की PDF फाइल भी बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं और डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में यह है 3 नवंबर का करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी अप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, और इसी के साथ साथ दोस्तों आपने डेली करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाके आपको डेली करंट अफेयर्स नाम से टॉपिक दिख जाएगा, वहाँ आप जाके प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड यानी प्रत्येक डे से रिलेटेड आप डेली करंट अफेयर देख सकते हैं। और दोस्तों हम वही करंट अफेयर लाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा विकसित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों भारत का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसके द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा। माँ से दोस्तों मद्रास हो जाएगा और माँ से माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा क्या, IIT मद्रास के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था। और इसका नाम क्या है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति, यानी प्रोसेसर आप जानते हो प्रोसेसर में तो शक्ति होती है, तो उस हिसाब से ये याद रह जाएगा कि जो शक्ति किस चीज़ का नाम है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है जो कि IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। और IIT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म गार्डियन 2018 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच शुरू किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा दोस्तों, धर्म गार्डियन 2018 जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश की सेनाओं के बीच शुरू किया गया है, तो भारत और जापान की सेनाओं के बीच शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है, मिजोरम में शुरू किया गया है, ये आप अच्छे से याद रखें। और इसी के साथ साथ दोस्तों हाल ही में भारत जापान शिखर सम्मेलन कहाँ पर, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ था, कहां पर दोस्तों, हाल ही में दोस्तों जो भारत जापान शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था, टोक्यो में आयोजित हुआ था, ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कॉरपोरेट खेल 2019 किस देश में आयोजित होंगे, तो दोस्तों विश्व कॉरपोरेट खेल जो 2019 है ये कहाँ पर होंगे, कतर में आयोजित होंगे। कतर की राजधानी की बात करें तो दोहा हो जाएगी और मुद्रा वहाँ की रियाल हो जाएगी, आप अच्छे से याद रखना। क्या दोस्तों, विश्व कॉरपोरेट खेल 2019 किस देश में आयोजित होंगे, तो ये कतर में होंगे, कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा रियाल हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों भारत ने हाल ही में कतर के साथ संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या दोस्तों, भारत ने हाल ही में कतर के साथ जो संयुक्त आयोग है उसको स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रिक्स देशों का पहला फैशन शो और फैशन बिजनेस फोरम कहाँ आयोजित हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या दोस्तों, ब्रिक्स देशों का क्या पहला फैशन शो और फैशन बिजनेस फोरम कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। इसी के साथ साथ दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी बात करें तो केप टाउन और प्रिटोरिया हो जाएगी। और देखिए ब्रिक्स देशों में दोस्तों कौन कौन से देश शामिल है, बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा और एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। रसिया जैसा कि आप दोस्तों जानते हो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है, और इंडिया अपने कौन से नंबर पर है, 7th नंबर पर है। और दोस्तों जनसंख्या के अनुसार बात करें तो चाइना सबसे फर्स्ट नंबर पर है, और अपना इंडिया कौन से नंबर पर है, जनसंख्या के अनुसार 2nd नंबर पर हो जाएगा, ये भी आप अच्छे से याद रखें। और ब्रिक्स देशों में दोस्तों कौन कौन से देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, आपको आराम से 1 से 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों महिला जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसके लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो मैरी कॉम को चुना गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ समय पहले मैरी कॉम को BSNL का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैरी कॉम को दोस्तों याद रखना, कुछ समय पहले BSNL का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर होगा, भारत में होगा। तो दोस्तों जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहां पर होगा, भारत में होगा, ये आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग डीआरसी की जो चौथी वार्ता है हाल ही में वो कहाँ आयोजित की गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों नीति आयोग डीआरसी की जो चौथी वार्ता है वो हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है, ये मुंबई में आयोजित की गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसके सीईओ कौन है दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे अमिताभ कामत। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखें। और इसी के साथ साथ दोस्तों मुंबई ने हाल ही में क्रिकेट विजय हजारी ट्रॉफी भी जीती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, मुंबई ने हाल ही में कौन सी क्रिकेट विजय हजारी ट्रॉफी भी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रसगुल्ला दिवस किस जगह मनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो रसगुल्ला दिवस होता है वो कहाँ पर इस बार कोलकाता में मनाया जाएगा, कब दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाएगा। और पिछले साल दोस्तों पश्चिम बंगाल के रसगुल्ला को जीआई टैग भी मिला था, इसलिए मनाया जाएगा, याद रखना दोस्तों। पिछले साल क्या जो पश्चिम बंगाल का जो रसगुल्ला था तो ये इसको क्या जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था, ये आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली जस्टिस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों भारत की पहली जस्टिस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, अमरावती में किया जा रही है। और अमरावती दोस्तों जो है ये आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी भी है। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बनाता कब दोस्तों, 2 जून 2014 को बनाता, कब बनाता दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बनाता, ये भी आप अच्छे से याद रखें। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हमने 3 नवंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो जल्दी से लाइक कर दीजिए, देख तो लेते हो परंतु लाइक नहीं करते, तो जल्दी से लाइक के बटन को दबा दीजिए अपने सभी दोस्तों में, लाइक के बाद शेयर कर दीजिए, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबा दें। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो जाए। हिंद जय भारत।